मथुरा पुलिस की शराब माफियाओं के विरुद्ध एक और बड़ी कार्यवाही। थाना सुरीर पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली 1640 लीटर स्प्रिट, 200 लीटर बनी हुई शराब व अन्य शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला सामान व चार अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के आदेश अनुसार मादक पदार्थों की अवैध निर्माण व बिक्री रोकने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन तथा क्षेत्र अधिकारी मार्ट महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सुरीर द्वारा मैं पुलिस टीम के मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के गांव बियोही में अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली स्प्रिट की 41 कैने, कुल 1640 लीटर स्प्रिट, 200 लीटर बनी हुई शराब व अन्य शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला सामान हरपाल के मकान से बरामद हुआ तथा मौके से चार अभियुक्त गुड्डू आदि गिरफ्तार किए गए तथा सात अभियुक्त अशोक आदि मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ से पूछताछ कर बताया कि हम लोग मिलकर इस स्प्रिट से अवैध शराब का निर्माण करके उसकी बिक्री जनपद के ठेकों व अन्य जनपदों के ठेकों व अन्य लोगों को करते हैं। जनपद मथुरा में थाना सुरीर के अंतर्गत एक अच्छा काम हुआ है। ये फर्जी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ जिसमें 8 अभियुक्त थे, 4 मौके से ही पकड़े गए और 4 भागने में सफल रहे, इसके लिए दबिश दी जा रही है। इनके कब्जे से 200 लीटर बनी हुई नकली शराब और जो सामान मिला है उससे करीब 1000 लीटर और शराब बनाई जा सकती थी। विभिन्न प्रकार के उपकरण शराब बनाने के तथा वस्तुएं जो 16 इनसे प्राप्त हुई हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई इन पर कठोर से कठोर की जाएगी। कब से कार्य कर रहे हैं सर जी? ये तो अभी संज्ञान में जैसे ही आया वैसे दबिश दी गई। अभी इनके इनसे जो पूछताछ के दौरान मामला आया है तो उसमें पहले से इन्होंने स्वीकारा नहीं।